बहुत मजा ले रहे हो ना? बहुत मजा ले रहा हूँ, बहुत मजा ले रहा हूँ। आप आगे खाना लगा दो। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। कुछ तो खा लीजिए। कहा ना भूख नहीं है मुझे। जोरों की भूख लग रहा है बहू। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। ये मदन मन आ गया जी, उसके लिए भी खाना लगा दे, एक साथ खा लेते जी। वो बोलते हैं कि वो अभी खाना नहीं खाएंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। पानी की हुई से ले रहे हो? याद नहीं दुर्गेश दादा हमें क्या कहा करते थे? अरे ताला याद है, स्वच्छता ही जीवन है। तो ये पानी किसके लिए? ये लो, ये पानी बहती नदियाँ के लिए। मैं तो पानी पहले उबालती हूँ और उसके बाद फिल्टर करती हूँ। दुर्गेश दादा यही सलाह देता था। दादा अगर सोनापुर नहीं चाहता तो भाभी को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर दादा को रोके कौन? उनके ऊपर तो हमेशा परोपकार का भूत सवार रहता था। सुना है अभी सोनापुर में मलेरिया का नामो निशानी नहीं है, क्योंकि वो लोग दुर्गेश दादा के सलाह के मुताबिक पूरे गांव को साफ सुथरा कर दिया। बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है बिनी? इस साल रहने दो, अगले साल सोचेंगे। ये गलत है, दुर्गेश का तो सपना था बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना। क्यों अभी इस दुनिया में है ही नहीं, उसके सपने के पीछे भागकर क्या होगा? दुर्गेश दिन रात काम करके लोगों को मदद कर रहा था, सबके भलाई के लिए काम कर रहा था, और तुमने भी तो इसलिए मदन मोहन और मुझे छोड़कर
उसे अपनाया था विनीत। वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं, तुम हो, हम सब मिलकर दुर्गेश का सपना पूरा करेंगे। भास्कर और वंदना जरूर पढ़ेगा, बड़ा होकर यूनिवर्सिटी जाएगा और गांव के लिए काम करेगा। और ये अब मेरा भी सपना है विनीत। ठीक है, मैं अब चलता हूं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 11 3060, 1800 11 3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बातें पूछना है। बैठ, जल्दी बता, मेरा काम है। ये सब क्या हो रहा है चाचा? सारा गांव ठूठू कर रहा है। ठूठू कर रहा है? जी। किस बात में? चाचा, आपको पता नहीं, दुर्गेश को मरे हुए महीना भी नहीं हुआ, उसके पत्नी पराया मर्द के साथ गुलछरे उड़ा रही है। सबको पता है, आप गांव के मुखिया हो, फिर भी आपको पता नहीं? सब मतलब कौन सब? उनका कुछ नाम तो होगा, ले आना मेरे सामने। अगर तुम्हारा लगाया हुआ इल्जाम सच हुआ तो गांव वाले मिलकर विचार करेंगे क्या करना है क्या नहीं। पढ़ना अच्छा, अच्छा नहीं किसी से डरना अच्छा, नहीं किसी से डरना अच्छा, तो सवेरे उठना अच्छा। वो देखो दुर्गेश, नहीं तो क्या हुआ, निश्चय दोनों को कितना प्यार से स्कूल लेकर जा रहा है। पर ससा जी, मदन मोहन भाई कल 2-3 लोगों को उकसा रहा। किस बात को लेकर? यही कि एक विधवा की घर, विश्व का इसी तरह से आना जाना ठीक नहीं। तुम्हें क्या लगता है, मदन मोहन सही है? एक विधवा महिला को सहायता करना गलत है क्या? परोपकार करना तो हमारा संस्कार है। गलत बिल्कुल नहीं है ससा, एक इंसान दूसरे इंसान का काम नहीं करेगा तो कौन करेगा?
विश्व और दुर्गेश तो लंगोटिया यार है, पर मदन मोहन को समझाया था, पहले तो वो दुर्गेश के पीछे पड़ा था, अब विश्व। चलो चलते। काम कर रहे हो, हमें क्यों नहीं बुलाते? तू आज खेत नहीं गए? खेत का काम तो खत्म, अब सिर्फ पहरादारी करना है, बोला गया है। भाभी आपके लिए पानी लाई थी, कहाँ रखूं? अरे मेरे लिए पानी लाने की क्या जरूरत थी, मैं ले आती ना। जा पानी अंदर रख कर रहा। के लिए दुर्गेश भैया ने सारा जीवन बिता दिया, क्या हमें तुम्हारे लिए एक घड़ा पानी लेकर आ नहीं सकते? अरे तू तो आजकल बात बात पर रोने लग जाती है। दरअसल मैं तो अभी पानी लाने के लिए जाने ही वाली थी बदली। अच्छा चल अंदर चल। आओ इस बार अगर मौसम ने साथ दिया तो अपनी फसल बहुत अच्छी होगी। अगर शहर में बेचेंगे तो दो पैसे ज्यादा आएंगे। भगवान सबकी सुनती है तो हमारा भी सुनेगा। इस बार हमें पैसा बसा कर रखना होगा। तुम ठीक कह रही हो, आजकल मेरा शरीर कमजोर हो गया है, खेत में परेशानी आ जाती है। भगवान करे पैसे बसने से हम एक ट्रैक्टर खरीद लेंगे। ये तुमने अच्छी बात कही, इससे हमारे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। सुना है सरकारी योजना से ट्रैक्टर खरीदने से सरकारी अनुदान भी मिलता है। मैं विश्व से सारी जानकारी ले लूंगा, कल विश्व को बताएंगे, वो जरूर हमारी मदद करेगा। बेशेरा विश्व के लिए मुझे बहुत दुख लगता है, सारा जीवन बिना शादी के रह रहा है, खाने पीने बनाने के लिए भी कोई नहीं है, कैसे जीवन बिताता है वो? आजकल हमारा समाज में दूसरों के लिए चिंता करने वाला आदमी कठिनाई से मिलता है। अच्छा चलो बहुत देर हो रहा है। परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हाँ बोल दे, मैं तुझे महारानी की तरह रखूंगा। नमिता मेरे सबसे अच्छी सहेली है, तुझे क्या लगता है मैं उसके सौतन बनूंगी? दो बच्चे की बाप होने के बाद भी तेरे अकल ठिकाने पे नहीं है ना? अगर मैं अभी काका से तेरे इस बदतमीजी का शिकायत कर दूं, तो सोच तेरा हालत क्या होगा। काका तुझे धक्के मार के इस गांव से निकाल देंगे। मैं भी देख लूंगा कौन किसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। और भूमि को एक साथ देखा था ना? जी दे देखा था। कब? तो आज ही गांव आया था ना? कब देखा था? मैं मतलब बहुत पहले ही देखा था जी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बता तो? ये छोड़ो, ऐसे घर में कहाँ से आई है तू भैया? फिर से फस सारे गांव वाले
वाले भैया को लेकर आ रहे हैं। मैं बाकी लोगों को भी खबर देने जा रही हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला भी नहीं, तू घबरा मत। मैं अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता हूँ, दोनों को विश्वविद्यालय जाना देखना चाहता हूँ।